मुझको समझ नहीं आ रहा क्या है, मीटिंग है ना, नहीं मीटिंग नहीं है, एक कॉम्पिटिशन है, एक कॉम्पिटिशन है, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्टेज फियर है। पहली बार नहीं कर रहे, इससे पहले भी किया है। मैंने किया इससे पहले, बट डर तो तब भी लगता है ना। देखो मुझको स्टेज फियर निकालना है, सो इसलिए मैं जानबूझ के करना चाह रहा हूँ। इसको भी मैं पुश कर रहा हूँ कि भाई कर। देखो ये ब्लॉक है, ये डी है, देख डी है, ये ये, सो दिस इज द डी ब्लॉक। और ये किसका है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। सो अभी हम दिखाते हैं क्या क्या सजा रखा है। ये थोड़ा सा सजा रखा है। अच्छी अच्छी तुम्हारी मुझे बहुत डर लग रहा है। तुमने कर लिया प्रिपेयर? तुमने कर लिया? तुमने कर लिया? तुमने मतलब तुमने बोल दिया? नहीं बोलेंगे अभी। अभी तुम ये क्या कर रहे हो? क्या प्रैक्टिस कर रहे थे? यार तुम लोगों ने कर भी बुलाया नहीं हमें। प्रैक्टिस कर रही है भाई। मेरा नाम काट दो, मैं नहीं ले रहा क्योंकि मेरी ऐसी तैसी हो चुकी है। और तुम लोग नहीं बैठो, चलो तो और यार मैं करना। वो तो एंकरिंग की थी, वो पार्टिसिपेंट नहीं था, कोई वो सीनियर सर थे जो एंकरिंग करेंगे। अरे ये सब देख के मेरे, अरे यार हम आ रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। यार डर तो लग रहा है। यार मेरा डर नहीं लग रहा था, बट ये बार बार लगवा रहा है कि हाँ वही रहने दे। ये बार बार मना कर रहा है। मैंने इसको बहुत समझाया कि चल चल चल, कह रहा है कि नाम कटवा के आ रहा हूँ। हाँ ये सब मेकअप इतना क्यों कर रहे हैं? इतना लाइक दिस यार, कोई मना तो नहीं करेगा ब्लॉग बनाने का? नहीं परमिशन लेनी है। किससे परमिशन लेनी है? ले लो प्रेसिडेंट भाई, जो सबसे बड़ा हो। हाँ प्रेसिडेंट जो अशोक सर, सुन ये लो भैया मैं जा रहा हूँ घर। ये वो है ट्रॉफीज है, ये सर्टिफिकेट तो पुराने वालों को देना है जो उनका। हाँ तुम कहाँ जा रहे हो मेकअप करने? नहीं नहीं बता दे। नहीं नहीं मेकअप, अब तुम जैसे हो वैसे रहोगे। अब भाई तेरा भाई, आपका क्या हाल है? मेरी हालत ऐसी हालत है कि मैं कुछ बता नहीं सकता, इतनी बुरी हालत है। भाई तो ये बी फार्म के सिर्फ दो हैं हम, भाई दो और हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, बी फार्म को जितवा देंगे। नहीं हाँ मतलब लास्ट बंकी मारा हमने। अभी मैम नहीं आई है, जस्ट पीरियड पीरियड जैसे ख़त्म हो आ गए। ओए ओए ये मेरा है पहले, पता है? हाँ गुड। यही हमने पार्टिसिपेट करा, कैसे कैसे बोलेंगे हम? अरे मैं क्या क्या बोलूँगा, क्या क्या है इवेंट में? फोटो दिखेगी क्या? सुना? हाँ लिख भी सकते हैं। कहाँ पे लिखेंगे? पेपर फोन है ना, फोन में लिख लेंगे फटाफट। फोन देख के बोलेंगे? नहीं फोन देख के नहीं बोलना। इन लोगों ने नहीं करा, इन लोगों ने एंकरिंग करी। ये लोग एंकरिंग करेंगे हमारे स्टार्ट होने से पहले, ये लोग पहले एंकरिंग करेंगे उसके बाद करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। यार ये एंकरिंग कर रहे हैं और हम भाई बाहर पार्टी से। सुनना सुनना प्लीज प्लीज प्लीज, मत जा रुक जा, देख मैं तुझे पीछे लेके जा। सुन तो ले भाई, देख मेरी ब्रेन पड़ी है, क्या क्या डरना है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, हमने सब लिया ही नहीं है तो हाँ हाँ कर क्या? हम इतने ही लोग हैं, इन लोगों के बीच में बोलना और वो हो जाएंगे, सर वगैरह आ जाएंगे, डायरेक्टर सर आ जाएंगे, प्रिंसिपल मैम आ जाएंगी। हाँ बच्चे उन लोगों ने एंक, ये लोग और आएंगे बच्चे शायद। वैसे पूछ ले भैया, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे पर हम ब्लॉग बना सकते हैं? नहीं नहीं इतना पूछ। देख अब ब्लॉग बन रहा है तो इसलिए मानना कि हम पार्टिसिपेट करें, अगर क्या पता हम जीत जाएं तो और अच्छी बात है। भाई को जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं है, हिंदी बोलना है, हिंदी मैं भी हिंदी में बोलूँगा यार, इतने ठीक है समझ रहा हूँ मैं, मुझे तो दिखेगा। एक्चुअली अपना चश्मा भूल चुका है तो मैं इसको अपना चश्मा देने के लिए तैयार हूँ, बट ये मत बोल उसने, ठीक है उसका कोई फ़ायदा नहीं। मेरा नाम दीपांशु गौर, बी फार्म यार, मैं बी फार्म आदि हिजब वहाँ पे
ये तो ब्लॉग में मत डालिए, मेरी मेरी ऐसी तैसी हुई बड़ी बता बता, बता थोड़ा बता मुझे बता कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। मैं इसको बोल रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन हम लोग करते हैं वो करेंगे हम इंग्लिश में, और जो आगे का जो पार्ट होगा वो हम सारा करेंगे हिंदी में। सो ये कह रहा है कि नहीं हम सारा का सारा करेंगे हिंदी में ही। हाँ मेरे पास थी बट बैग में है, हाँ उसके पास होगी ले लेंगे उससे। सो अभी थोड़ा सा मैंने इसको मनाया तो ये माना है, और हमारे अभी सीनियर साहब मान तो गया हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस भी ठीक है बट डर अभी भी है। नहीं वो डर नहीं हो जाएगा, मैं मेरे अंदर भी है डर के ना। गाइस एक बार ट्रॉफी दिखाना, ट्रॉफी मैं रुक जाओ आप। सो ये हैं वो ट्रॉफीज, चार ट्रॉफीज हैं, इनमें से कोई एक तो मिली जाएगी हमें, सिर्फ एक ही चाहिए हमें, इनमें से कोई एक दिलवा दो। मिले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल जाएगा। ट्रॉफीज़ मिले या ना मिले उससे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझको अपने स्टेज फियर निकालना है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और लोग आके मुझसे ये कह रहे हैं भाई तू तो व्लॉगिंग करता है, तू तो बहुत अच्छे से बोलेगा, बट या मुझको पता है तो व्लॉगिंग करने में बहुत अलग डिफरेंस है और लोगों के सामने बोलने में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं इस समय कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, कैमरे के सामने मैं बहुत कंफर्टेबल होता हूँ, बट जब लोग होते हैं तो या थोड़ा सा मुझको क्या बाल दिखाना अपने बाल। अच्छा बाल दिखाऊंगा, बाल अच्छे खैर लग नहीं रहे। हाँ सो कैमरे के सामने बोलना बहुत आसान है। गाइस अगेन मेरी फटी पड़ी है यार, ये बार बार आके मुझे डरा रहा है कि हाँ मेरी फट रही है, तो मेरी भी अंदर अंदर से फट रही है। Never get upset, always get up and set yourself for challenges. Good evening ladies and gentlemen, this is Dhruv Rohela and Shankar Vashish. It gives us immense pleasure to start this auspicious occasion by heartily welcoming everybody. We extend a warm welcome to our chief guest, respected Dr. D.R. Somshekar sir, respected Shri H.G. Garg sir. So, अभी ये सारे के सारे लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे कैसे उन लोगों को बोलना है वो सारी चीज़ अभी बता रहे हैं। सो मुझको भी एक प्रैक्टिस करनी थी और प्रैक्टिस करने का हमको मौका नहीं मिला। थोड़ा सा मैं नर्वस हूँ कैसे कैसे मैं बोलूँगा, क्योंकि लोग आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। सो या आई एम लिटिल बिट नर्वस बट या आग लगा देंगे। आग लगाएगा नहीं लगाएगा? अब आएंगे तो करना पड़ेगा, लगा देंगे भाई, तुझको पता है ऑडियंस भी आएगी अभी। सो अभी ऑडियंस भी आएगी, हमको नहीं पता था ऑडियंस भी आने वाली है, बट या ऑडियंस भी आ रही है, धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट हो रहे हैं। सो हम सोच रहे हैं गेट पास में ही है, निकल जाए यहाँ से, निकल जाने के हम मार के निकाले तो पहले हम ही निकल जाते हैं। हाँ कोई धक्का ना मारे हमें तो हम खुद ही चले जाते हैं, ज़्यादा बेइज्जती ना करवा। जो भावना ने फंसाया है ना मुझे, भावना मुझे नहीं पता था कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं, हमको लग रहा था कि भावना और अंशिका हमारी फ्रेंड है वो भी कर रही है पार्टिसिपेट, बट वो नहीं कर रही है, वो कर रही है एंकरिंग। बट यार एंकरिंग करना आई थिंक ज़्यादा मुश्किल है पार्टिसिपेट करने से, ठीक है? आई डोंट थिंक सो, एंकरिंग इज मस्ट भाई। पार्टिसिपेट करने में एक या दो मिनट, हमको सिर्फ दो मिनट मैक्सिमम हमें बोलना है। देखो है क्या, एक फोटो आएगी, ठीक है, फोटो में हमें दो मिनट का टाइम मिलेगा, दो तीन मिनट का टाइम मिलेगा, उसमें हमको सोचना है क्या क्या फोटो है। हम लोग गूगल कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, नए दोस्तों से कन्वर्सेशन करके पूछ सकते हैं और दो चार चीज़ें और करके मतलब पता लगा सकते हैं। दो तीन मिनट के बाद हमको बोलना है, और सिर्फ दो मिनट का बोलना है, दो मिनट मैक्सिमम तक बोलना है, किसी एक लैंग्वेज में बोलना है, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, इन दोनों में से किसी एक में बोलना है तो हम लोग बोल सकते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और मुझको लग रहा है मैं कर दूँगा, बस जो वो फोटो आए वो फोटो हम लोग चेंज नहीं करवा सकते, कोई भी फोटो हो सकती है, हमको नहीं पता वो किस टाइप की फ़ोटो है, वो फोटो है उससे रिलेटेड हमको कुछ भी बोलना है। सो या बस उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, फ़ोटो थोड़ी अच्छी से आ जाए और हमको समझ आ जाए, मुझको अगर समझ में आ जाएगी तो मैं बहुत अच्छे से बोल दूँगा, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, और या मुझको थोड़ा मैं नर्वस ना हो जाऊँ वहाँ पे। सो या बट ये ज़्यादा कुछ ऐसा स्टेज है नहीं यार, बिकॉज जब स्टेज होता है उसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं, बट ये सिर्फ ऑडिटोरियम है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग आ जाएंगे, 100-150 आ जाएंगे। वही तो भाई मैं तो कह रहा हूँ कर चलाऊंगा यहाँ से। हाँ भाई मेरे लिए चिल्लिए भाई, ठीक है मेरे लिए चिल्ला दियो, बिल्कुल चिल्लाऊंगा, क्यों नहीं चिल्लाऊंगा। Is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
तू जा रहा है या नहीं, ब्लॉग बन रहा है ये, ठीक है? अब तू जा रहा है नहीं जा रहा, बेइज्जती कर दूंगा मैं तेरी। ऑडियंस बन के जाना है तो मैं तैयार हूँ चलने के लिए, पर वैसे नहीं। चल ऑडियंस बन के चल ले, तो टाइम पास करो तुम दोनों जने, इतना टाइम तुम्हारे पास फालतू लोगों का दूंगा। हाँ हमारे पास ज़्यादा है। अब इसको मैंने इतना समझाया, अब हमने हमारे जो सीनियर्स है मैंने उनको बताया, तो ये अब जाके माना है। और भैया ने समझाया ना, अब सीधा धमका दिया, यहीं बैठेगा अब तू यहीं पे। भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। पूरे होंगे हर वो ख्वाब, पूरे होंगे हर वो ख्वाब जो देखते हैं अंधेरी रातों में। ना समझ है वो जो डर से पूरी रात सोए ही नहीं। I can just say like Takshila, this word has been taken from the most ancient and the largest university of the whole world, Takshila University, which was was in India along with the Nalanda University. And we also know that in that particular university, our biggest and the greatest thinker and teacher, Acharya Chanakya, has taught economy, that particular subject. So yeah, that is. So it was a correct guess by our first year member. When this invitation was extended to me personally by some of the students, I just questioned what the objective of Takshila is. तरीके से आपको बताया है, I think there could be no better way to explain what the purpose is, what the objective is, and what is the best of luck for all the participants, and let us begin with the orientation program of Takshila Society. Thank you. Content is anything that adds value to the reader's life. The content for the posters, captions, posts, stories, messages, and many more areas. The creative wing is the mind. Got research paper published in and runner-up in Vigyan 21 CSC. Introducing our third year members, Mr. Where they are. This is what our promotional wing does. They meet, they interact and end paperwork. Also, this is generally responsible for the correspondence and the administration of the society. We are here to mention the things which are separate us from the crowd, our achievements. Our members went in different type of inter-college competitions and represented our college in zonal, state as well as in national level. Good evening everyone present here. I welcome you all to this event. I am so delighted to see you all in this number. This would not be possible without the support of our beloved Gaurav Gaur sir. SnapSpec is an easy way to keep up yourself where you can create and share informal definition of any picture. It gives you real-time visibility across your curatorship, enabling you to have a check on your efficiency of. जो कि बिल्कुल ही गलत है, ना ये पुरुष प्रधान होना चाहिए, ना महिला समान होना चाहिए, यहाँ समानता का सागर होना चाहिए। हमारा what you can be or what you're not, you just have to believe in yourself. Only 30 seconds left. That you're perfect. Perfection, sometimes people might think that it's an illusion. I actually believe that flaws, the flaw in the apple, the eaten apple, even that flaw is perfection. That is what I believe. I thank you everybody for your time. Thank you very much. What a confidence. Dhanyavaad. Very nicely done. चित्र छोड़ते हैं, थोड़ी जिंदगी की बात करते हैं, क्योंकि फर्क इस चित्र में और हम में कुछ है नहीं।
बहुत समय आते हैं जब हम अपनों को अपने पास ही नहीं देख पाते. Together, even though there will be a lot of differences between you or the other person. So, I can just like guess like what are my points related to this? सब नष्ट कर द्वेष कला सब नष्ट कर स्वरों से ऐसा वेगला कवि है तू याद रख कविता. शुभ संध्या आप सभी को मेरा सत्य नमस्कार. मेरा नाम दीपांशु बी फार्म का छात्र आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार इस दिखाए गए दृश्य को बताना चाहूंगा. दीपांशु मेरा बहुत बेकार कैसा हुआ बहुत बेकार हाँ, गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग अस. आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है अपने भाई पे. इतना अच्छा इसने बोला इतना अच्छा करा था कि मुझे लगा कि भाई ये आग लगाएगा बट इसने जो आगे इसने 10 सेकंड अपना इंट्रो खत्म करा उसके बाद जो इसने 50 सेकंड करे वो कुछ नहीं करा इसने. इसने सिर्फ अपनी बेइज्जती कराई है. ट्रू 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 है ना. तो बट या बताना कैसा गया मेरे तो बेइज्जती. तो देखो मेरी मैंने क्या करा मैंने दोनों यूज़ करे. यूज़ करना तो सिर्फ एक या तो इंग्लिश या तो हिंदी बट मैंने यूज़ करी है दोनों चीज़ें. इंग्लिश मैंने यूज़ करी है सो या मैं मे भी मुझको बाहर निकाल दिया जाएगा बट या बहुत मज़ा आया स्टेज पे जाके चढ़ के फिर बोलने का. ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था. सेकंड था मेरा फर्स्ट था. तो या आगे हम करेंगे और थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. सो थैंक यू सो मच तकजिला जो भी तकजिला अरे यार ठीक है. सो या थैंक यू सो मच एवरीवन. थोड़ा सा हम सीखेंगे और आगे जाके और मैं सोच रहा हूँ सोसाइटी में ले लूँ पार्टिसिपेट करने की. क्यों बे मतलब मैं थोड़ा वीडियोग्राफी में हूँ ना तो लोग कह रहे थे कि हाँ भाई तू आ जा ऐसे कह रहे थे. या सो ओके डाडा भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और अगर आपको पसंद आई वीडियो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दो और चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर दो और शेयर जरूर कर दो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.